जम्मू कश्मीर के शोपिया में तीन आतंकी ढेर, शोपिया में दो जगहों पर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। शोपियान के तुलरान में करीब 9 घंटे तक चला एनकाउंटर, मौके से हथियार और गोलियां बरामद। एनकाउंटर से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी ने आतंकियों से सरेंडर करने को कहा, आतंकियों ने बात नहीं मानी। मारे गए आतंकियों में गांधरबल का रहने वाला मुख्तार शाह भी शामिल, गोलगप्पे बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या में शामिल था। सोमवार को पुंछ में भी दो जगह पर हुआ था एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो आतंकी हुए थे, सेना के जेसीयू समेत 5 जवान हुए थे शहीद। पुंछ एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को देश की श्रद्धांजलि, आज 5 जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा। शहीद जवानों में से 3 जवान जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह, गर्जन सिंह पंजाब के रहने वाले सिपाही, फरज सिंह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के और सिपाही बैसाख एच केरल के रहने वाले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर में शहीद हुए जवान सरज सिंह को दी श्रद्धांजलि, शौर्य और वीरता को नमन किया। सीएम योगी ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा। पंजाब के सीएम चन्नी ने 3 शहीद जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी सरकारी नौकरी। आतंकियों से मुठभेड़ में पंजाब के गुरदासपुर के बाटला गांव के रहने वाले 30 साल के सैनिक मनदीप सिंह शहीद, सोलह राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट में थे तैनात। शहादत की खबर सुनकर मनदीप के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। 1 महीने का बेटा है छोटा, सितंबर में ही छुट्टी से ड्यूटी पर लौटे थे। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा, हमारा डर सही साबित हो रहा है, तालिबान की वजह से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद अमीर ने जवानों को श्रद्धांजलि दी, बोले पाकिस्तान अप्रायोजित आतंकवाद पर रोक जरूरी। महबूबा मुफ्ती के बेटे के बोल, कहा सुरक्षा बलों की गोली से कोई मरे तो ठीक, आतंकियों की गोली से मरे वो गलत, ये कैसा सिस्टम है। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा कि चीन ने हमारे जवानों को मारा तब भी बातचीत जारी, पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। पुंछ में टेरर अटैक के बाद पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित, डिप्टी सीएम रंधावा ने हमले की निंदा की। पीएम मोदी आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे, अफगान संकट पर इटली में हो रहे समिट में वर्चुअली शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के संबोधन पर विदेश मंत्रालय का बयान, सुरक्षा, आतंकवाद, मानवीय सहायता और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पीएम मोदी 13 अक्टूबर को गति शक्ति मास्टर प्लान की करेंगे शुरुआत, रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल मंच है गति शक्ति। आज सुबह 10:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, शाम को 6 बजे आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी बैठक। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी फोन पर की बात, अफगानिस्तान समेत ग्लोबल और द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।